बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स D1 सेवन्थ एडिशन चैप्टर 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये है, द नंबर 840 एंड 8316 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स आर दिस एंड दिस, हैंस फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर डैट विल डिवाइड बोथ दिस एंड दिस, एंड सेकेंडली है द स्मॉलेस्ट होल नंबर डैट इज़ डिविजिबल बाई बोथ दिस एंड दिस। सबसे पहले हम आपको हिंट देंगे, जब भी बात हो ग्रेटेस्ट होल नंबर की तो ग्रेटेस्ट होल नंबर का मतलब है कि आपने इसमें HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जब भी बात हो स्मॉलेस्ट होल नंबर की तो इसका मतलब है कि आपने इस सवाल में LCM फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, अब इसमें LCM और HCF जो फाइंड करना है आपने, वो आपने अपने मेथड से फाइंड नहीं करना, वो जो उन्होंने फैक्टर्स दिए हैं उसको यूज़ करके आपने फाइंड करना है। तो ये देखें, पहला फैक्टर ये है, तो 840, और दोनों फैक्टर्स हम जो है इनको नीचे लिख लेते हैं, और पहले हम इन फैक्टर्स को एक्सपेंड करेंगे और बाद में इनको यूज़ करेंगे। पार्ट वन करते हैं पहले, 840 है तो यहाँ से अच्छा जी, अब देखें ये तो हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब हम ऐसा करते हैं इसको दोबारा से कॉपी करके तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। दोबारा से कॉपी करने का मतलब है कि आपने इसको दोबारा से लिखना है। अच्छा, 2 रेज़ पावर 3 है, 2 रेज़ पावर 3 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा जी, नीचे आपके पास है 2 रेज़ पावर 2, इसका मतलब है कि 2 रेज़ पावर 2 है तो 2 बार 2 आएगा, और अब 3 रेज़ पावर 3 है तो इस तरह से 3 बार 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आपको पता होगा कि जब भी जितनी पावर हो हम उस नंबर को उतनी बार लिख सकते हैं, यानी 3 का एक्सपोनेंट 3 है, एक्सपोनेंट और पावर सेम चीज़ है, 3 का एक्सपोनेंट 3 है तो हम इसको 3 को ना 3 टाइम्स लिख सकते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अच्छा जी, आप देखें ये आपके पास आ गया, तो आपने फाइंड करना है LCM और HCF। पहले आपने फाइंड करना है HCF। बेसिकली HCF और LCM इन इस मेथड में हम कैसे फाइंड करते हैं कि बेसिकली जो HCF होता है ना वो इस होता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, और जो LCM होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो पहले आप कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स निकाल लें। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। अच्छा जी, कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स जो है ना वो बेसिकली वो वाले फैक्टर्स होते हैं जो दोनों में आ रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखें, ये 2 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, एक तो ये कॉमन फैक्टर हो गया, और उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद देखें ये वाला 2 और ये वाला 2, ये कॉमन फैक्टर हो गया, फिर ये वाला 3 और ये वाला 3, ये कॉमन फैक्टर हो गया, उसके बाद ये 7 और ये 7, ये आ गया कॉमन फैक्टर्स में। अच्छा, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे, इनको आप ना कोमास के साथ लिखते हैं, ये आ जाएंगे 2 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 7, ठीक है। तो अब आप इसके बाद आएंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स,
अच्छा, नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे जो कॉमन नहीं है? सिंपल सी बात है, तो नॉन कॉमन फैक्टर पहला ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 5, और फिर आ जाएगा 11, और फिर आ जाएगा 3, फिर आएगा ये वाला 3, और फिर बस। तो इनको आप लिख लें, पहले आ गया आपके पास 2, फिर आ गया 3, सॉरी फिर आ गया 5, 2, 5, फिर आ गया 11, फिर आ गया 3, फिर आ गया 3। आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम फाइंड करते हैं इसका HCF। HCF का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास HCF आ जाएगा। अच्छा, कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं 2, 2, 3 और 7, तो चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 × 3 मल्टीप्लाय 7, 2 × 2 × 3 × 7, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 7 = 84। तो इसका आंसर आ जाएगा 84। तो ये HCF इसका आ गया 84। तो HCF बेसिकली क्या है, फाइंड करना था हमने पार्ट वन में द ग्रेटेस्ट होल नंबर डैट विल डिवाइड दिस एंड दिस। तो इसके नीचे आप लिख दें द ग्रेटेस्ट होल नंबर इज 84। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या था, द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो उसके लिए हमने फाइंड करना था LCM। तो LCM जो होता है ना, वो उसका बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, यानी कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट है ना, वो आपके पास LCM होगा। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इस प्रोडक्ट को? आपने सबसे पहले आ जाएंगे कॉमन फैक्टर्स 2 × 3 × 7, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब आ जाएंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स × 2 × 5 × 11 × 3 × 3। अच्छा जी, ये आ गया। तो अब देखें कि इसमें 2 × 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 7 = 84। तो 84 × 2, अब आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। 84 × 2 × 5 × 11 × 3 × 3, यह आ जाएगा 83160। 83160। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि हम इसको नीचे लिख लेते हैं,
ओके जी, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा LCM इज इक्वल टू 83,160। ये आपके पास आ गया LCM। अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या चीज़ फाइंड करनी थी? क्वेश्चन में था द स्मॉलेस्ट होल नंबर डैट इज़ डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। तो आप यहाँ पे कोशिश किया करें कि जो क्वेश्चन में पूछा गया हो आप उसी फॉर्मेट में आंसर दें। तो आप यहाँ पे लिख दें द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन है, तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि आपको आसानी तरीके से, बिल्कुल आसान करके आपको समझाएं। द एलसीएम ऑफ दिस दिस एंड दिस इज 660। 6 का, 12 का और n का अगर एलसीएम लें तो वो आता है 660। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। तो हमने n की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास जो गिवन है वो है इन तीनों का जो एलसीएम है वो 660 आ रहा है। तो एलसीएम पहले हम फाइंड करेंगे। एलसीएम को फाइंड करने के लिए हम छोटा सा उसका टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जाते हैं और इंसर्ट टेबल 2x2 और यहाँ पर आकर हम इसको साइज छोटा कर लेते हैं। अब जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ से जाना है बॉर्डर्स एंड शेडिंग में, देन ऑल में, देन इसकी साइड्स को ख़त्म कर दें। तो ये आपके पास बन जाएगा, एलसीएम की शेप आ जाएगी आपके पास। ओके, इसको आप थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंड कर दें या इसको थोड़ा सा आप नीचे लें, ऊपर जगह कम है आपके पास। और ये जो साइड है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा जी, नंबर्स हमारे पास हैं 6, 12 और n। और पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 6 पे। 6 वन्स आर 6, 6 टूज आर 12, तो n जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पे। हम एलसीएम लाना चाह रहे हैं तो नीचे 111 आना चाहिए। अब n वैसे ही आ जाएगा। अब डिवाइड करते हैं हम इसको n पे। n पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1,1,1। देखिए जी, 111 आ गया। इसका मतलब है कि एलसीएम का आपके पास आंसर आ गया। तो एलसीएम का आंसर लाने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं साइड पर, ये तीन नंबर्स इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे लिखें एलसीएम इज इक्वल टू 6 2 12, 12 इंटू एन, ये आ जाएगा 12n। बल्कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी आपने किस तरह से लिख दिया, ये आंसर कैसे आया। ये देखें जी, ये आ गया 6 2 12। 12 को जब किसी भी n से मल्टीप्लाई करेंगे, n या ABC कोई भी नंबर होगा, तो वो आ जाता है 12n। ओके, अच्छा आप देखें क्वेश्चन में जो है लिखा हुआ है ना, वो है कि LCM जो है ना इनका वो है 660। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो आप यहाँ पर क्या करें कि इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि 12n आपके पास है वो इक्वल टू होगा एलसीएम के, यानी 660 के। तो अच्छा जी, यहाँ से हम फाइंड करते हैं n को। तो जब n को यहाँ से फाइंड करेंगे तो जो हमारे पास नंबर है 12 वो उस तरफ चला जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। या इस तरह से समझ लें, या आप ऐसे समझ लें
कि हम दोनों साइड्स पर 12 के साथ डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ट्वेल्व सिक्स था 60, फिर 6 बचा, फिर 60, सॉरी ट्वेल्व फाइव था 60 और फिर 6 बचा 60, तो 12 फाइव था 60 आ जाएगा 55। अच्छा 55 आपके पास आंसर आ गया। अब देखें क्वेश्चन क्या था कि आपने जो तीन नंबर्स गिवन है 6, 12 और एन, उनका जो एलसीएम है वो 660 है। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एन, एन की सारी पॉसिबल वैल्यूज़। तो याद रखें एन की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो सब वैल्यूज़ 55 का मल्टीपल होंगी, ठीक है? ये बात आप याद रखें, वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 55 का मल्टीपल होंगी, इस वाले 55 का, यानी 55 के टेबल में आ रही होंगी, ठीक है? अच्छा, अब उनको फाइंड करने का मेथड तो ये है कि आप पहले 55 के टेबल की सारी वैल्यूज़ को लिख लें 660 तक, उसके बाद उन वैल्यूज़ को, हर वैल्यूज़ को, वैल्यू को जो है बारी बारी आप 612 और वो वैल्यू, जैसे अगर एक है 110 तो 612 110, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करें तो देखें वो 660 आता है कि नहीं। जिस जिस का एलसीएम 660 आएगा समझे कि वो आपके पास एन की वैल्यूज़ हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरा मेथड शॉर्टकट ये है कि आप क्या करें, आप 6 और 12 के ना फैक्टर्स निकाल लें, फैक्टर्स ऑफ 6 और 12, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, फिर 4 3 12 होता है, फिर 6 आ जाएगा इटसेल्फ और फिर 12 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने ना एन की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए आपने बारी बारी इन सब नंबर्स को जो है वो 660 पर डिवाइड करना है, जो टोटल एलसीएम है उस पर आप इन सब नंबर्स को डिवाइड करें, जो जो आंसर्स आते जाएंगे वही आपके पास एन की वैल्यूज़ होंगी। ये इसका शॉर्टकट है इसको फाइंड करने का। तो पहला लिखते हैं जी हम 660 डिवाइडेड बाई 1, तो वो क्या आएगा, 660 ही आ जाएगा। अच्छा, दूसरा आपके पास है 660 डिवाइडेड बाय 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 2 3 6 और 0 330 आ जाएगा। अच्छा, तीसरा आपके पास है 660 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 6 3 2 6 और 0 सॉरी। अच्छा, अब आप क्या है 3 के बाद आ जाएगा आगे 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 4 1 4, तो 2 रिमाइंडर आएगा, 2 6 से मिलेगा तो 26 हो जाएगा, 4 6 24 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा वो 0 से मिलेगा 20 हो जाएगा, तो 4 5 20। इस काम का मज़ा तब आएगा जब आप इसको साथ साथ सॉल्व करें, अगर आप देखते जाएंगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो ये फिर से आपको भूल जाएगा। एक बार जब आपने हाथ से सॉल्व कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन आपको बहुत देर तक याद रहता है। 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 1 6 6 1 6 और 0, इसलिए आप हमारे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें। अच्छा जी, अब लास्ट नंबर है 12, तो वो आ जाएगा 12 5 60। अच्छा, हेंस द वैल्यूज ऑफ एन आर, पहला क्या आ जाएगा जी 55 कॉमा 110। अच्छा, इसके ऊपर क्या है 165 और उसके ऊपर क्या आ रहा है 220 330 और 660 220 330
एंड 660। अच्छा जी, ये आपके पास सारे आंसर्स आ जाएंगे एन के। तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया, हमने पहले कॉमन फैक्टर्स निकाले, फिर हमने उन कॉमन फैक्टर्स को एलसीएम पर डिवाइड किया। डिवाइड करने से जो आंसर्स आ रहे हैं आपके पास, वो सारे आपके पास एन की वैल्यूज़ हैं। या दूसरा मेथड, जो लॉन्ग मेथड आप करना चाह रहे हैं, तो आपने पहले 55 के सारे मल्टीपल्स को लिख लेना है। मल्टीपल्स का मतलब है जो 55 के टेबल में आ रहे हैं 660 तक। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उनको बारी बारी उनका एलसीएम लेना है आपने 612 के साथ। तो जिस जिस का आंसर आ जाएगा आपके पास 660, समझिए वो आपके पास आंसर्स हैं। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 ये है कि शर्ले नीड्स टू पैक 108 स्टॉक्स ऑफ रोजेस, 81 स्टॉक्स ऑफ लिलीज एंड 54 स्टॉक्स ऑफ ऑर्चिड्स इनटू आइडेंटिकल बास्केट्स। वो रोजेस को, लिलीज को और ऑर्चिड्स के स्टॉक्स को जो है वो एक जैसी बास्केट्स में जो है वो इन फ्लावर्स को पैक करना चाह रही है। इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बास्केट्स, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है उसको। हमने फाइंड क्या करना है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बास्केट्स डैट कैन बी पैक्ड। लार्जेस्ट नंबर, जैसे अभी आपको ऊपर हिंट दिया है, लार्जेस्ट नंबर का मतलब है कि आपने एच सी एफ फाइंड करना है। उसके बाद है द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्लावर्स इन ए बास्केट। फिर जो ईच टाइप ऑफ फ्लावर्स जो बच जाएंगे आपके पास, वो आपने बताना है कौन कौन से हैं। चलें जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अच्छा जी, सबसे पहले आपने फाइंड करना है इसमें एच सी एफ, तो 108 है, 81 है और 54 है। तो आप पहले यहाँ से जाकर तो इसका टेबल ड्रॉ कर लें। अब तो ये टेबल ड्रॉ करना आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा, जितनी बार आपको सिखा दिया हमने। इसका फ़ायदा आपको होगा जब आप अपनी असाइनमेंट्स बनाएंगे, आपको मैथ से प्यार होगा, फिर आप मैथ की टाइपिंग करेंगे, आप फार्मूलाज बनाएंगे, नई नई बुक्स लिखेंगे, तब जाके आपको इसका वर्ड का फ़ायदा होगा। अभी तो आप समझते होंगे ये टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। अच्छा जी, 108, 81 एंड 54। 108, 81 एंड 54। अच्छा जी, अब इनको हम डिवाइड करते हैं। 2 के डबल में 81 नहीं आता, तो 3 के डबल में 3 आते हैं, तो हम 3 पे डिवाइड कर देते हैं। 3 3 सा 9, 1 रिमाइंडर आएगा, 8 से मिलेगा 18, 3 6 18, 3 2 सा 6, 2 रिमाइंडर आएगा, 1 से मिलेगा 21, 3 7 सा 21, 3 1 सा 3, 2 रिमाइंडर आएगा, 4 से मिलेगा 24, 3 8 सा 24, फिर आएगा 3 के टेबल में, 3 1 सा 3 2 सा, 3 9 सा 27 और 3 6 सा 18, फिर आएगा 3 के टेबल में, 3 4 सा 12, 3 3 सा 9, 3 2 सा 6। अच्छा जी, अब तीनों नंबर्स हैं वो किसी टेबल में नहीं आते, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देना है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है एच सी एफ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द लेफ्ट साइड नंबर्स। तो जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स आ रहे हैं वो हैं 3 मल्टीपाई 3 मल्टीपाई 3, तो उनको आपने लिख देना है 3 मल्टीपाई 3 मल्टीपाई 3, 3 3 सा 9 9 3 सा 27, 27 आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप देखें पार्ट वन क्या था, पार्ट वन था कि शी नीड्स टू पैक दिस आइडेंटिकल बास्केट्स, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बास्केट्स, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बास्केट्स। तो आप यहाँ पे लिखें The largest number of baskets is equal to 27. Okay.
अच्छा अब सेकंड मेथड देखें, सेकंड क्वेश्चन वो ये है द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्लावर्स। तो एक चीज़ याद रखें कि जब ऐसे क्वेश्चंस आप करते हैं तो इसका इनका मतलब ये होता है कि यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ये देखें, ये जो पार्ट है यहाँ तक आपने इसका एच सी एफ फाइंड किया। एच सी एफ का मतलब है कि आपने एक जैसी बास्केट्स को फिल कर दिया, ठीक है। अच्छा अब आ रहा है द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्लावर्स। ईच टाइप ऑफ फ्लावर्स, ईच टाइप ऑफ फ्लावर्स का मतलब है कि उसमें अलग अलग किस्म के जो फ्लावर्स हैं वो कितने होंगे। तो देखें ये जो नीचे चीज़ बच रही है ना, ये वाली, ये आपके पास अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, ये वाले। ये पहले हमने क्या लिखा था, फोर, फोर हमारे पास रोज़ेस हैं तो ये फोर रोज़ेस आ जाएंगे। फिर 81 से क्या आ गया, थ्री, तो हमारे पास थ्री जो हैं वो लिलीज आ जाएंगे। और ये 54 से सिक्स आ गया तो सिक्स जो हैं वो थर्ड टाइप के जो फ्लावर्स हैं वो आ जाएंगे आपके पास, ये टू, ठीक है। समझ आ गई आपको, लेकिन ये इसका डायरेक्ट मेथड है। आपने डायरेक्ट मेथड नहीं करना, आपने जब पेपर में वर्किंग करनी है तो आपने इसको प्रॉपर फार्मूलाज लगा के आपने सॉल्व करना है इसको। लेकिन अगर आपको वहाँ पे भूल जाए इसका सलूशन तो आपने क्या करना है कि डायरेक्ट ही आंसर लिख देना है 432। अच्छा सेकंड पार्ट है द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्लावर्स। पहले फ्लावर्स हैं रोजेस की बात कर देते हैं। द नंबर ऑफ, इससे पहले हम पार्ट टू लिख लेते हैं। ये आपके पास पार्ट टू स्टार्ट हो चुका है, द नंबर ऑफ रोजेस। अच्छा इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने 27 से डिवाइड करना है, लेकिन किसको डिवाइड करना है, आपने जो रोजेस का स्टॉक है उसको, स्टॉक्स ऑफ रोजेस, ठीक है, जो आपके पास जो आता है ना एच सी एफ उसको आप डिवाइड करते हैं ना स्टॉक्स ऑफ रोजेस पे, तो होता क्या है कि वो एच सी एफ उसकी बास्केट्स को अलग कर देता है एक जैसी बास्केट्स को। तो जो आंसर आता है वो आंसर बेसिकली वो होता है जो जितने फूल बच जाते हैं, जो लेफ्ट ओवर होता है वो आंसर आ जाता है आपके पास। तो इज इक्वल टू हम यहीं पे लिख लेते हैं और ये पीछे वाला इज इक्वल टू हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी अब जो रोजेस का जो स्टॉक है वो आपके पास कितना था, 108, तो इसकी अब आप कैंसलेशन करें। मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लेता हूँ इसको, 108 डिवाइडेड बाय 27, ये आंसर आ रहा है 4, ठीक है जी, ये आपके पास 4 आंसर आ गया। अब इसी तरह से आपने करना है सेकंड पार्ट इसका, अच्छा यहाँ पे स्टॉक ऑफ रोजेस की बजाय अब आ जाएगा स्टॉक्स ऑफ, लेट मी चेक के दूसरा फ्लावर क्या है, लिलीज, अच्छा जी। और इसकी जो लिलीज की जो अमाउंट है, जो इसकी वैल्यू है वो है 81, अमाउंट कह रहा हूँ सॉरी, नंबर ऑफ फ्लावर्स 81, 81 को 27 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। चलें जी फिर एक और फ्लावर रह गया, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ऑर्चिड्स। किताब से देख के मैं नाम लिख रहा हूँ, नाम बड़े मुश्किल से हैं, मेरा फ्लावर्स में इंटरेस्ट भी नहीं है। ये आ गया जी ऑर्चिड्स, तो बल्कि प्रॉपर नाउन है, फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल लिखें आप, लेकिन इस तरह की मिस्टेक पेपर में तो नहीं करती, वो लवर्स वाले जो है वो इंग्लिश की मिस्टेक्स नहीं निकालते।
अच्छा जी, थर्ड है हमारे पास ऑर्चिड्स की जो वैल्यू है वो है 54। यहाँ 54 आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। लें जी, ये आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। तो अब आप इसको प्रॉपर शेप में लिख दें। क्या था द क्वेश्चन में, क्या था द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्लावर्स इन इन अ बास्केट। तो ओ नो, एक तो ये कलर बार बार इसका चेंज हो जाता है। चले मैं उसको बाद में चेंज कर दूंगा। हेंस द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्लावर्स वो कितने आ जाएंगे, 4,3,2। ठीक है, तो अब हम इसको ब्लैक कर देते हैं। आप कहीं ये ना समझे कि ये आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। एट 5:45 PM 5:45 पर लिक्सिन, खेरवोल एंड डेवी आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ 1 किलोमीटर सर्कुलर पाथ। लिक्सिन टेक्स 18 मिनट्स टू वॉक 1 राउंड। खेरुल नीड्स, बड़ा मुश्किल सा नाम है, खेरुल नीड्स 360 सेकेंड्स टू रन 1 राउंड एंड डेवी साइकल्स 2 राउंड इन 4 मिनट्स। वेरी गुड। फाइंड द टाइम व्हेन ऑल थ्री ऑफ देम विल नेक्स्ट मीट। ऑल थ्री ऑफ देम विल नेक्स्ट मीट का मतलब है कि उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट टाइम जिस टाइम पर वो तीनों दोबारा मिलेंगे। अच्छा, तो आपने इसमें बेसिकली क्या करना है, आपने इसमें एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर हिंट भी हम आपको दे ही देते हैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, ये शक्ल से मुश्किल लग रहा है, जिसमें वैल्यूज़ ज़्यादा आ जाएं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, इतनी वैल्यूज़ क्यों है। अच्छा जी, ऑल थ्री ऑफ देम विल नेक्स्ट मीट मीन्स एलसीएम। ओके, अच्छा जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। एलसीएम आपने फाइंड करना है, लेकिन एलसीएम फाइंड करने से पहले आपको बता दें कि आपके पास इनके यूनिट्स सेम होने चाहिए। वो यूनिट्स आप वर्किंग करके भी सेम कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सेम, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी लिखें या वर्किंग करें उसके मार्क्स नहीं होते, सिर्फ आपने जो यूनिट्स यूज़ करके लिखना है वही उन्होंने चेक करना होता है। तो पहले हम एलसीएम का टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको डायरेक्ट करूं। एलसीएम का टेबल तो मैं सोच रहा हूं कॉपी करके रख लूं, बार बार ड्रॉ करना पड़ता है। टेबल प्रॉपर्टीज, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, ऑल दिस 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 दिस। ओके ओके, यहाँ पे लिखे हैं वैल्यूज़, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लें इस तरफ, वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। अच्छा, आप देखें, कोशिश करें कि आपके पास जो जो आंसर आपने लाना है ना, आपने बताना है कि फाइंड द टाइम, आपने वो टाइम बताना है कि व्हेन ऑल थ्री ऑफ देम विल नेक्स्ट मीट, कि वो तीनों दोबारा से कब मिलेंगी, तो कब मिलेंगे। अच्छा, तो आप देखें टाइम जब बताना है ना, तो आप ये देखें कि आपके पास जो टाइम गिवन है वो किस में है, वो सेकंड्स में है कि मिनट्स में है कि आवर्स में है। वो आपके पास मिनट्स में है, 5:45 PM 5:45। तो आप कोशिश करें कि अपना जितना डाटा है वो आप मिनट्स में लेकर आएं। जो लेक्सिन का जो टाइम है वो है 18 मिनट्स, ये आ जाएगा 18। दूसरा जो टाइम है वो है 360 सेकेंड्स, तो ये सेकेंड्स को आप मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 पे डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 6 36, तो ये आ जाएगा 6 6 मिनट्स आ जाएंगे। अच्छा,
टू रन वन राउंड, और पहला क्या था टू वॉक वन राउंड। अच्छा दोनों ही वन राउंड में, ये भी वन राउंड में, ये भी वन राउंड में, लेकिन जो डेबी है ना वो है टू राउंड्स का, और टू राउंड्स कितने मिनट्स में, फोर मिनट्स में। अगर टू राउंड्स फोर मिनट्स में होते हैं तो इसका मतलब है कि वन राउंड जो है वो टू मिनट्स में होगा। तो पहला डाटा आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 2। तो 18, 6 और 2। अच्छा जी, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। और क्या फाइंड करना है आपने, एलसीएम, तो 111 लेके आना है, तो बस करते रहें इसको नीचे तक। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 और 1 वैसे ही आ जाएगा, फिर 3 पे करें तो शिट सॉरी, अच्छा 1 और 1 और 1, अच्छा जी ये आपके पास आ जाएगा 111। तो अब आप इसका निकाल लें एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए बहुत ही आसान मेथड है, ये क्या हो गया, पहले आ जाएगा आपके पास 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो आपके पास 18 एलसीएम आ जाएगा। और ये 18 क्या है, हमने सारा डाटा किस में कन्वर्ट किया था, मिनट्स में, तो ये बेसिकली 18 मिनट्स हैं। ओके अच्छा, तो अब 18 मिनट्स को आप क्या करेंगे, आपने बताना है किस टाइम पे दोबारा मिलेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लें आप, फाइंड द टाइम व्हेन ऑल ऑफ थ्री, व्हेन ऑल थ्री ऑफ देम विल नेक्स्ट मीट। तो यहाँ पे लिख लें टाइम व्हेन दे नेक्स्ट मीट इज इक्वल टू 545 प्लस 18। अच्छा 545 तो प्लस 18, अब इसको आप जमा कर लें, प्लस कर लें इसको, आपको टाइम का भी पता होना चाहिए, ओ लेवल से तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अच्छा बहरहाल 545 में आप जब 15 मिनट्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6 PM। तो 18 में से 15 ऐड कर दिए, बाकी 3 मिनट्स रह गए, तो ये आ जाएगा 6:03 PM आ जाएगा। ओके 6:03 पर जो है वो दोबारा मिलेंगे। बहुत अच्छी समझ आ गई होगी आपको। चलें जी मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, थैंक गॉड। अच्छा क्वेश्चन 8 ये है, अमीरा, नूरा एंड अमीरा वर्क इन डिफरेंट कंपनीज। नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं जो डी मैथ में यूज़ किए होते हैं। नूरा हैज़ अ, नूरा और नूरा वट एवर, हैज़ अ डे ऑफ एवरी 4 डेज, वाइल अमीरा हैज़ अ डे ऑफ एवरी 6 डेज। नूराज लास्ट डे ऑफ वॉज 29 अप्रैल, वाइल अमीराज वॉज ऑन 1 मई। जो जो नूरा है ना वो, उसका हर चौथा दिन ऑफ होता है, यानी कि हर 4th डे उसका ऑफ है, उसकी छुट्टी होती है। जो अमीरा है उसका हर 6th डे ऑफ होता है, यानी हर 6th डे पे उसको छुट्टी होती है। तो जो नूराज का जो लास्ट डे था ना वो था 29 अप्रैल, जो मीरा का जो लास्ट डे वो था 1 मई। तो आपको देखें, अब ओ लेवल्स की बारी आ गई, अब आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल का जो महीना है उसमें 30 अप्रैल होती है, 31 अप्रैल होती है कि नहीं होती। तो अगर पेपर में तो कैलेंडर नहीं मिलेगा आपको, ये तो आपको याद होना चाहिए। चलें बहरहाल देखते हैं। अच्छा व्हेन विल दे नेक्स्ट हैव द सेम डे ऑफ, तो उनका नेक्स्ट सेम डे ऑफ कब होगा, हमने ये बताना है कि नेक्स्ट कौन सा डे होगा जो उन दोनों का ऑफ होगा। सब्सिक्वेंटली इसी तरह से, हाउ ऑफन विल दे हैव द सेम डे ऑफ, इस तरह से उनका फिर नेक्स्ट जो सेम डे ऑफ आता रहेगा वो कब कब आता रहेगा, हमने ये बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना डेट्स लिख लेते हैं। जैसे 29 अप्रैल उसका 1st डे ऑफ था ना, तो 29 अप्रैल, फिर आ जाएगा 30 अप्रैल। अच्छा उसके बाद 31 अप्रैल नहीं होता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है,
तो 3 मई, फिर उसके बाद है 4 मई, और 5 मई, जहाँ तक आपके पास आंसर आ जाए, 10 तक आप लिख लें, हो सकता है इसके बीच में आ जाए। अच्छा, आप देखें अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। वो क्वेश्चन में ये है कि पहले नूरा से शुरू करते हैं। नूरा हैज़ अ डे ऑफ एवरी 4 डेज, अ डे ऑफ एवरी 4 डेज, उसका हर 4 दिन बाद उसका ऑफ होता है। तो चलें हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, नूरा की वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर इसकी वर्किंग स्टार्ट करें तो ये देखें 29 अप्रैल उसका हो गया, तो अब 4th डे ऑफ होगा, ये 1st, 2nd, 3rd और ये 4th, ये आ जाएगा वो डे जो कि उसका नूरा का ऑफ है। ओके, तो अब इसके हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो 3rd मई है ना, इसके आगे आप लिख लें नूराज ऑफ डे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएं उस पे अमीरा पे। अमीरा वाज ऑन 1st मई, तो मेरा 1st मई था उसका ऑफ, तो उसका हर 6 दिन बाद ऑफ होता है। तो 1st मई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ जाएगा अमीरा का ऑफ डे। अमीराज ऑफ डे, आप पेपर में भी ऐसे टेबल बना के आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं। तो ऐसे कर देंगे तो समझें कि 8 लाख किस्म के नंबर मिलेंगे आपको। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि अब फिर आ जाएं उस पे नूरा पे। नूरा का हर 4th डे ऑफ है, तो 1, 2, 3, 4 ले जी, ये डे ऑफ आ गया, इसके आगे आप लिख लें एंड नूराज ऑफ डे। तो दोनों का जो सेम डे ऑफ आ गया वो आपके पास आ गया 7th मई। तो आपके पास क्वेश्चन क्या था कि व्हेन विल दे नेक्स्ट हैव द सेम डे ऑफ, उनका नेक्स्ट सेम डे ऑफ कब होगा। तो आप यहां से जो है वो लिख दें कि फर्स्ट पार्ट का आंसर, बेसिकली ये पार्ट 1 ही था, यहां पे लिखना याद नहीं रहा, ये पार्ट 1 था आपके पास। दे बोथ हैव द सेम डे ऑफ ऑन 7th मई। ओके, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, के सेकेंड पार्ट है कि सब्सिक्वेंटली हाउ ऑफन विल दे हैव द सेम डे ऑफ, उनके पास अक्सर कब सेम डे ऑफ हुआ करेगा या सेम डे ऑफ कब होता है उनके पास। ये का 4 है, एक का 6 है, तो सिंपल सी बात है, इसमें आप एलसीएम निकाल लें तो उनका सेम डे ऑफ आ जाएगा। ये वही बात है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि वो दोबारा कब मिलेंगे। तो दोबारा कब मिलने का मतलब यही है कि उनका दोबारा सेम डे ऑफ जो है वो कब होगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं उसको कि उनका दोबारा सेम डे ऑफ कब होगा। मेथड हमें आता है, बहुत ही आसान है, टाइम वेस्टिंग नहीं है, इसको करने का मकसद ही होता है कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि आपने एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स का टेबल बनाने वाला, ये तो आपके काम लाजमी आएगा कभी ना कभी। कोई चीज़ भी जो आप सीखते हैं वो कभी भी आपके पास बेकार नहीं जाती। 2 1s are 2, 3 वैसे ही आ जाएगा, और फिर 3 1 वैसे ही आ जाएगा, और 3 1s are 3। अच्छा, तो अब इसका लिख लें आप LCM is equal to, ये आ जाएगा जी आपके पास 2 multiply 2 multiply 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो उनका हम जो बताएंगे कि सब्सिक्वेंटली क्या था,
हाउ ऑफन विल दे हैव द सेम डे ऑफ दे विल हैव द सेम डे ऑफ इन इन 12 डेज ये बेसिकली डेज आए हैं आपके पास ना तो 12 डेज के बाद जो है वो उन दोनों का ऑफ हुआ करेगा. ये था जी लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का ख़त्म हो चुका है. रिव्यू वन एक्सरसाइज हमने जो है वो ख़त्म कर ली है तो आगे हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2. आप इस वीडियो को शेयर किया करें बहुत ज़्यादा ताकि जितने ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स डी मैथ पढ़ा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल आसानी पैदा हो. अगर उनको कहीं भी बैठे बैठे सोल्यूशन भूल जाए तो वो हमारे इस चैनल की वीडियो को देखें तो उनको सारा सोल्यूशन याद आ जाएगा. आप पढ़ाने जाते हैं तो अक्सर ऐसे होता है कि आपके पास क्वेश्चन नहीं आ रहा होता आपको तो आप क्या किया करें कि आपने मोबाइल अपने पास रखा करें तो सिर्फ एक मिनट मोबाइल से आप ये लेक्चर देख लें उसका सोल्यूशन देख लें फिर आप बच्चे को करा दें. क्योंकि कोई भी मैथ में एक्सपर्ट नहीं होता तो हमेशा से जो है वो हर किसी को प्रैक्टिस करनी पड़ती है मैथमेटिक्स में पढ़ाने के लिए. मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही इस तरह का है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.